Good morning to all of you. In today's lecture, we will discuss the classification of acthelmint phyla, that is nemacthelmint. Now, in this lecture, we will see the two classes, that is class Rotifera and class Gastrotheca. Acthelmints mein five classes hai. सबसे पहली क्लास रोटीफेरा, देन सेकंड गैस्ट्रोट्रिका, नंबर थ्री काइनो रिंका, देन निमेटोमॉर्फा, देन निमेटोडा. ये पांच क्लासेस एस्थेलमिंस में आते हैं. बट इन आवर टुडेज लेक्चर वी विल स्टडी ओनली टू क्लासेस, दैट इज रोटीफेरा एंड गैस्ट्रोट्रिका. ओके, नो we will see the class first, that is Rotifera class. In Rotifera, all animals are microscopic in this acthelmints class and living in ponds, lakes, streams. Okay, ज़्यादातर ये ponds, lakes and streams में रहना पसंद करते हैं, but rarely ये oceans में भी रहते हैं. Rarely it lives in oceans. Okay. So next, that is the anterior end has ciliated corona. अब आपको मैं बता दूं कि anterior end जो है इस animal का, इस ये देखिए यहाँ पर मैं draw करके बताती हूँ. इस तरह से animal होता है. यहाँ पर ये जो anterior end है, यहाँ पर एक ciliary सारी covering होती है. Ciliary covering, cilia के through ये covered होता है. और ये इस वाले पोर्शन को ही हम कोरोना कहते हैं. सीलिएटेड जो डिस्क है यहाँ पर, ये सीलिएटेड डिस्क को ही कोरोना कहेंगे. ठीक है, सीलिएटेड डिस्क इज ऑल्सो नोन एज कोरोना. ये डिस्क यहाँ प्रेजेंट होती है एंटेरियर एंड पर, और इसे हम सीलियरी डिस्क भी बोलते हैं. सीलियरी डिस्क और कोरोना भी बोल सकते हैं इसको. ओके, ये एंटेरियर एंड पर प्रेजेंट है. यहाँ पर माउथ भी प्रेजेंट होता है. नाउ पोस्टेरियर एंड पर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? एनस. ओके, ये हो गया एंटेरियर एंड, ये हो गया पोस्टेरियर एंड. एंटेरियर एंड पर माउथ प्रेजेंट है, सीलियरी डिस्क, ये सीलियरी डिस्क यहाँ पर दिख रही है आपको. इस डिस्क को ही हम कोरोना कहते हैं. और यहाँ पर ये पोस्टेरियर एंड में एनस प्रेजेंट होता है. ओके, क्लियर हो गया. देन द पोस्टेरियर एंड हैज एनस, अभी देख लिया हमने. देन द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज फीडिंग ऑर्गन मैस्ट्रिक्स. ये मैस्ट्रिक्स जो है ये एक ऑर्गन वहाँ पर प्रेजेंट है. नाउ लाइंड इंटरनली बाय क्यूटिकल. क्यूटिकल जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है हेयर लाइक, उसे क्यूटिकल कहते हैं. उसके थ्रू वो पूरा कवर्ड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, नाउ बॉडी मस्कुलेचर इंक्लूड लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसफर ऑफ मसल बैंड्स एंड स्ट्रैंड्स. अब ये इसकी बॉडी कैसी है, इस तरह से है, तो इस पर ट्रांसफर से लैटरल बैंड्स प्रेजेंट होते हैं इसकी सारी बॉडी पर. कौन से क्लास में? रोटीफेरा क्लास में. ठीक है, द नर्वस सिस्टम हैज थ्री मेजर गैंग्लिया नर्व. नर्वस सिस्टम जो है उसमें थ्री मेजर नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटोन एफ्रेडिया. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो प्रोटोन एफ्रेडिया, टू प्रोटोन एफ्रेडिया उसमें प्रेजेंट है विथ फ्लेम सेल्स. फ्लेम सेल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगे. ठीक है, नाउ सेंसरी ऑर्गन आर एंटीना एंड आई स्पॉट. इसका इन एनिमल का जो सेंसरी ऑर्गन है वो है एंटीना, जो कि इस तरह से दिखाई देते हैं. एंटीना एंड आई स्पॉट होते हैं, इस तरह के आई स्पॉट होते हैं. ये हो गए उसके सेंसरी ऑर्गन रोटीफेरा क्लास में. ठीक है, नाउ मेल्स आर स्मॉलर देन फीमेल्स. मेल्स जो है वो स्मॉल होते हैं, मेल फीमेल जो है वो लार्ज होते हैं एज कंपेयर टू मेल. ओके, तो ये समझ में आ गया आपको. नाउ एग्जाम्पल जो है इसके, ये है ब्रांचियोनस एंड फिलोडिना रोटेरिया. आगे मैंने आपको स्लाइड में शो किया है. ये हो गया ब्रांचियोनस. ठीक है, रोटीफेरा क्लास के एनिमल. नाउ नेक्स्ट क्लास अगर हम देखें तो गैस्ट्रोटिका इज सेकंड क्लास. इट इंक्लूड्स माइक्रोस्कोपिक. ऑल एनिमल्स आर माइक्रोस्कोपिक. ये रोटीफेरा में भी सेम कैरेक्टर था, दैट इज ऑल एनिमल्स आर माइक्रोस्कोपिक. हियर मराइन एंड फ्रेश वाटर एस्केल्मिंस, मीन्स इसमें मराइन भी होते हैं, सी वाटर में रहने वाले भी होते हैं, लेक्स में भी सेम है,
जैसे रूटिक्रम हमने देखा था, कुछ ऐसे है जो उसमें रेयरली ओशियंस में रहते थे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मराइन भी उतने ही है और फ्रेश वाटर एनिमल्स भी उतने ही है, ठीक है। बॉडी वॉल कंटेंट्स क्यूटिकल बियरिंग शॉर्ट स्पाइन सीलिया आर प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। अगर अब हम इनकी बॉडी देखें तो क्यूटिकल बियरिंग बॉडी होती है, इस तरह के स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी पर, और सीलिया जो है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, जैसे कि उसके डॉर्सल साइड में नहीं, वेंट्रल साइड में नीचे की साइड में जो है सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और इस तरह के बॉडी के ऊपर स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ पोस्टीरियर एंड इज फॉग्ड विथ एडहेसिव ट्यूब्स एंड ग्लैंड्स। इसमें ग्लैंड्स पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट होंगे। एंड अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर इसका देखें तो फेरेंक्स इज ट्रायरेडिएट एंड मैस्कुलर एंड माउथ इज सराउंडेड बाय ब्रिस्टल। अब अगर इसका हम इस तरह से स्ट्रक्चर होगा मींस, तो यहाँ पर अगर माउथ प्रेजेंट है इस वाले पोर्शन में, ये वाला पोर्शन कौन सा हो गया, ये एंटीरियर पार्ट हो गया ना इसका एनिमल का, ये एंटीरियर पार्ट हो गया, तो माउथ जो है वो यहीं प्रेजेंट होगा। यहाँ पर ये पोस्टीरियर एंड हो गया, तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर प्रेजेंट होगा एनस। ओके, माउथ कहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ पर, ठीक है। माउथ एन से इंडिकेट किया है मैंने, तो ये जो यहाँ पर ब्रिस्टल्स प्रेजेंट है वो माउथ को सराउंड किए हुए है, ऐसे पूरे इसके आउटसाइड में कवर्ड है सारे ये ब्रिस्टल्स, इस तरह से दिखाई देंगे। ओके, ये हो गया इसके ब्रिस्टल्स। देन द बॉडी मस्कुलेचर इंक्लूड सिक्स पेयर ऑफ लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। इस सिक्स पेयर के लॉन्जिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। देन एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू प्रोटोनेफ्रिडिया। अब एक्सक्रेटरी सिस्टम में यहाँ पर कोई फ्लेम सेल्स वगैरह नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पर सिर्फ टू पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट नर्वस सिस्टम हैज सैडल शेप्ड गैंग्लियन टू लेटरल नर्व्स। नर्वस सिस्टम जो है वो सैडल शेप्ड है, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर, ये अगर ये एनिमल है तो यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम का, इसको हम सैडल लाइक कहते हैं। एंड टू लेटरल लाइन्स मतलब ये यहाँ पर ये इस तरह से ब्रांचेस प्रेजेंट होंगे, तो इसको हम टू लेटरल नर्व्स कहेंगे, ठीक है। तो ये सैडल शेप्ड स्ट्रक्चर इस तरह से जो होता है, ठीक है, सैडल शेप्ड मतलब कैसे, इस तरह से उसकी बॉडी के इनसाइड इस तरह से स्ट्रक्चर होता है नर्वस सिस्टम का, ठीक है, इसको सैडल शेप्ड। दे आर डायोशियस एंड मोनोशियस। अब आपको पता है डायोशियस और मोनोशियस क्या, मतलब उसका लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है, एक होस्ट में होगा या फिर दो होस्ट में, एक होस्ट में होगा तो मोनोशियस, दो होस्ट में होगा तो डायोशियस, ठीक है। देन फ्रेश वाटर फीमेल्स आर पार्थिनोजेनिक। अब फ्रेश वाटर फीमेल्स आर पार्थिनोजेनिक मीन्स, वॉट इज द मीनिंग ऑफ पार्थिनोजेनिक मीन्स, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है इसका, न्यूली हैच्ड यंग वंस लुक लाइक द अडल्ट, सेम अडल्ट मतलब एग से जब वो हैच आउट होंगे या फिर वो जो यंग वन बर्थ देगा तो वो सेम अडल्ट की तरह दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनिक। देन एग्जाम्पल अगर देखें तो चीटोनोटस एंड लिपिडो डर्मेला, चीटोनोटस एंड लिपिडो डर्मेला का एग्जाम्पल, ये दो एग्जाम्पल है इसका, एक मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बताया है आपको, फोटोग्राफ डाले, चीटोनोटस ये रहा एंड लैपिडो डर्मेला ये वाले, ये दो हो गए इसके स्ट्रक्चर, ठीक है। सो होप कि आपको समझ में आया होगा, थैंक यू सो मच।